गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज का मौसम देख के, आज का सीन देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज बहुत क्लियर है, बिल्कुल नीला आसमान, कोई बादल नहीं है, विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। ऐसा मन कर रहा है पहाड़ों को छू लो, इतना पास है। ये है भाई असली सर्दियों वाली धूप, दिसंबर कम्प्लीटली आ चुका है। 11:15 बज रहे हैं, इसलिए अब धूप ना हमारे फ्रिज पे नहीं आ रही, अब धूप इस तरफ आ रही है, देखो इस तरफ आ रही है। और अभी मम्मी तो इंस्टॉल कर रही है इस मशीन को, सेपरेटर निकाल, दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन को। अब मैंने मम्मी को बोला कि अब आप करो, देखते हैं कैसा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ऊपर नीचे चक्कर नहीं होता, जैसे भी लगा लो इन्हें, तो बस ये देख, हाँ ऐसे नहीं लगेंगे जैसे आप पकड़ रही हो। सबसे पहले ये लगाओ, ये रखो, रुको ये रखो, और इसके ऊपर यो रखो, ठीक है, यो रख दिया। अब इसके रबड़ भी रख दो, रबड़ भी रख दो, यहाँ यो रबड़ रख दी। अब इसमें मैच करो, ये एक मोटा है, ये मोटा है, दो छोटे हैं, तो ये मोटे वाला ना इस तरफ लगेगा ऐसे, इसे ये फिर मोटे वाला इधर, और करो, पता नहीं चल रहा, देखने से नहीं पता चल रहा कौन सा मोटा, ये मोटा इधर, मोटा है इधर, छोटे हैं, ये मोटे वाला ऐसे रखो, हाँ ऐसे, देखने से पता चल रहा ना ऐसे। भाई आज बनेंगे गोभी के पराठे, गोभी प्याज के। ये सेपरेटर दूध का एक फायदा तो हो रहा है, मम्मी को जैसे कभी भी दूध से बनी चीजें या दूध पीती थी, अगर खीर खूर भी खा लो थी तब भी हो जाता, तो ना जैसे रात को दूध पिया तो सुबह जब उठती थी सिर में दर्द होता था, लेकिन ये सेपरेटर वाला दूध पीने से, क्रीम निकला हुआ दूध पीने से मम्मी के सिर में दर्द नहीं होता सुबह उठती है, तो ये एक्सपीरियंस एक तो ये अच्छा हुआ है। बाकी और चीजें बताते हैं, ठीक है। ये अपनी कटोरी इस तरह से बन गई है, सब असेंबल हो गया इसके अंदर। सबसे पहले ये रख दिया है, जब ये रखो तो ये ठीक है, ये बीच में रख दिया है ना, ये रख दिया है। फिर इसके बाद रखा जाएगा ये, इसके बाद रखा जाएगा ये, ऐसे 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 नीचे रखा, ऐसे ऐसे। अब इसकी बेल्ट हिलाऊंगा मैं, चलो देखियो, इस हाथ लगाओ, गया ना गया। अब क्या रखा जाएगा, अब ये रखा जाएगा। दादी तो घूमने गई है, हैप्पी बर्थडे, आज बर्थडे है। हाँ। माइलो कैसे कर रहा है, माइलो कैसे कर रहा है तू, माइलो 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 माइलो। ये मशीन दोबारा से इंस्टॉल हो गई है, और इस बार मम्मी ने थोड़ा ज़्यादा गर्म दूध कर दिया, अभी गर्म दूध, अभी थोड़ा सा दूध गर्म है, अभी वो बुलाए तो इसको थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। आ जा 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 जा, अरे 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 आ गया, अरे आ गया, अरे बहुत तेज है ये, बहुत तेज है ये, देखो कुछ खाने को लाइए। सोमिया कैसे कर रहा है, हाँ रख रख दे रख दे रख दे, इसको तो गिरा देगा, इधर आओ, कितना चिढ़ता है ये कि खाने को किसी और को कुछ मिल ना जाए, है ना, ले ले मुझे तो मिल गया। कितनी बिजली आ रही है इसके अंदर इस टाइम, मैं दवाई ले रही हूं। अरे अरे बस मैं दवाई ले रही हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, चल चल, ओ तेरी ओ तेरी, इसको लग रहा है खाने के लिए छुपा रही है, मम्मी को बाहर जाना पड़ेगा, हाथ मुड़ गया ना, चलो बाहर चलते हैं, चलो सब बाहर चलते हैं, चलो सब बाहर चलते हैं घर से, चलो सब आगे बाहर। तो ये हलवा और आलू है, और इसको पता चल गया कि ये मेरे हाथ में कैसे कर रहा है। माइलो ये तो मैं ही खाऊंगा, ये तो मैं ही खाऊंगा, अरे नहीं 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 भाई क्या बिजली आ रखी इसके अंदर, नहीं देहरादून में धूप बहुत चमचमाती हुई निकली हुई है। जो सामने पैसिफिक गोल्फ एस्टेट है, इसमें जितने भी लोग रहते हैं सब ने भाई अपने कपड़े, चादर, रजाई सब सुखाने को डाल दिया है, मस्त धूप निकल रही है आज। अपनी गाड़ी को धोए हुए 2 दिन हो गए हैं, अभी तक तो फिलहाल गंदी हुई नहीं है। अभी मुझे भी धूप में बैठ के काम करना है लैपटॉप पे, तो लेकिन अभी मैंने ना एक उसकी स्क्रीन दिख नहीं पाती है, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने मंगा लिया है एंटी ग्लेयर कुछ स्क्रीन पे लगता है, और वो स्क्रीन पे लगाएंगे, उससे फिर लैपटॉप में मतलब जैसे धूप में बैठेंगे तो रिफ्लेक्शन नहीं आएगा अपने चेहरे का, तो उससे ईजिली काम हो जाएगा। तो जो नीरज भाई है जो हरिद्वार में रहते हैं, उन्होंने भी वो सजेस्ट किया था एक मुझे, तो उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा था अमेजोन का, तो वो मैंने परचेज़ कर लिया है, और मैंने मैट्रेस भी ऑर्डर कर दिए हैं करलोन के 8 इंच मैट्रेस, और वो दिखाऊंगा मैं कौन से वाले मैट्रेस हैं, अगर अच्छे लगे आपको पसंद आए तो ज़रूर मंगाना।
भाई बहुत सालों से था कि एक बहुत बढ़िया मैट्रेस चाहिए। मेरे भाई के रूम में तो थे, जो कि मैंने पैसिफिक गोल्फ एस्टेट से ही खरीदे थे। एक्चुअली इसमें फॉरनर रहते थे, और जो कि DIT देहरादून यूनिवर्सिटी में, देहरादून DIT में पढ़ाते थे यहाँ पे। उनकी वाइफ वृंदावन, जो वृंदावन वाले अंग्रेज होते हैं ना, वो थे वो। तो उनके बच्चे भी थे, तीन अंग्रेज यहाँ पे इंग्लैंड के थे। तो वो यहाँ से वो चले गए इंग्लैंड, तो उन्होंने सारा सामान बेचा था। तो उन्होंने वो 30,000 के गद्दे मुझे 15,000 में दिए थे, और 30,000 का बेड 15,000 में दिया था। तो और मैं बाकी साइड टेबल वगैरह बहुत सारी चीज़ें लाया था उनसे। मैं अभी से एक सैनी भाई ने मंगबल लाया था। उन अंग्रेज़ों का एक्सपीरियंस ये था, वो इंडिया छोड़ के इसलिए गए, उनको यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत शोर शराबा, पोल्यूशन, ये वो। आपको पता ही है इंग्लैंड की लाइफ कैसी है, यूरोप की लाइफ तो अलग ही है, और वो कंपेयर नहीं कर सकते इंडिया से। आप कहीं भी रहोगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो फिर वो यहाँ से चले गए थे। इवन सैलरी भी उनको कम मिल रही थी। उन्होंने बोला कि देखो, इंग्लैंड वाली सैलरी तो कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे उनको बड़ी मुश्किल से DIT वालों ने 1,00,000 रुपये दिए थे, 1 या 1.5 लाख रुपये दे रहे थे, वो भी उनको बहुत कम लग रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं इतने नहीं, और भाई अब उनको तो फिर ज़्यादा चाहिए, तो वो फाइनली चले गए थे। और अभी भाई थोड़ी देर में आ रहे हैं राहुल भाई, राहुल और गुरमीत भाई। वो क्या कर रहे हैं आजकल मैं बता दूँ, एक नया बंजी जंपिंग खुली है। एक तो थ्रिल फैक्ट्री में तो गुरमीत भाई हैं शिवपुरी ऋषिकेश में, और जो राहुल भाई है वो जंपिंग हाइट में थे, बंजी जंपिंग पे। और लेकिन अभी एक नई आई है, जापान की कंपनी है, कौन सी है, शिवपुरी में, वो भी बंजी जंपिंग कराएगी, लेकिन वो शिवपुरी में कराएगी। तो वो उन्होंने ज्वाइन किया है, ऑफर लेटर इनको मिल चुका है, जल्दी ज्वाइन करेंगे। और भाई राहुल भाई जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर वो तो जानती हैं, राहुल भाई ने नीम्स में एडवांस कोर्स किया था, जिसमें कि एवलांस आया था, उसमें वो दब गए, बच गए थे बस। बाकी इनके आगे पीछे जो चल रहे थे वो तो डेथ कर गए थे, मतलब एक तरह से शहीद ही हो गए थे वो। और ये भी 2 दिन बाद इनका मालूम चला था, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से भाग के कैसे आए। अभी पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कि किस तरह से इनकी जान बची। 2 दिन तक तो इनका फ़ोन ही नहीं मिला था, फिर ये उत्तरकाशी निम्स पहुँचे, कोर्स भी इन्होंने कंप्लीट नहीं की, फिर जल्दी में फिर इनको घर आना पड़ा। तो इनके काफ़ी दिनों से पेंडिंग था इनका एक्सपीरियंस कि आखिर हुआ क्या था इनका उत्तरकाशी में, तो वो भी पूछेंगे इनसे। बस थोड़ी देर में आने वाले होंगे। ये एक्चुअली अपना काम कर रहे हैं, नया काम कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि ये ना वहाँ पे ये रॉक क्लाइंबिंग करवाते हैं, रॉक रैपलिंग करवाते हैं, वाटरफॉल पे भी रॉक रैपलिंग करवा देते हैं, ट्रैकिंग भी करवाते हैं, बहुत सारे काम करवाते हैं ये। तो ये एक्सपर्ट हैं राहुल भाई और गुरमीत भाई, ऋषिकेश में ही पले बड़े हैं, तो ऋषिकेश की पूरी नॉलेज है इनको। तो ये ना कुछ अपना कुछ काम बिजनेस करना चाह रहे हैं वहाँ पे इसी से रिलेटेड। तो उसके लिए ना इनको मुझसे थोड़ा हेल्प लेने आ रहे हैं, मतलब जैसे वेबसाइट किस तरह से कैसे बनाएं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें, तो वो मैं इनकी हेल्प करूंगा। थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। काफ़ी दिनों से ये बैग यहाँ पर रखे हैं, एक्चुअली बहुत पुरानी फाइल्स कागज हैं इसमें, जो कि अब रद्दी बन चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मम्मी को कुछ दिन पहले बोला था यहीं रखे रहने दो, मैं क्लियर कर दूंगा, यहाँ पे झाड़ू पोछा मत करना। इससे पहले मम्मी गुस्सा करें कि इतने दिन हो गए ये क्लियर भी नहीं कर पाया, उससे पहले इसको साफ करता हूँ। चलो और राहुल भाई कैसे हो, बहुत दिनों बाद। और गुरमीत भाई आज छुट्टी होगी, ट्यूजडे की है ना, जब भी तो आ गए तुम। दिन बहुत प्यारा निकला हुआ है, क्योंकि जब ऋषिकेश से देहरादून आते हैं ना, बहुत प्यारा है। ये देखो भाई क्या बेहतरीन मौसम है, इसको मन ही नहीं भरता कितनी बार चले जाओ, दोनों तरफ जंगल, क्या दिन निकला हुआ। और जितना प्यारा धूप निकला है ना, उतना ही मजा आता है। चलो भाई, काफी देर से यहाँ बैठे हुए थे और बहुत सारी बातें करी रिगार्डिंग अपने प्रोजेक्ट, तो अब बल्कि लेट हो रहे हैं राहुल भाई, आपको इनके निकलना पड़ेगा। बाकी मैं ऋषिकेश आता हूँ 1-2 दिन में, तभी वहीं जाकर बात करेंगे, तभी इनका एक्सपीरियंस पूछेंगे, इनके साथ क्या हुआ था नीम्स में, है ना, सब शेयर करेंगे। अच्छी सी लोकेशन बैठ के रात को कैंपिंग करते हैं। मैं भी अपना कैंप निकालता हूँ, वो डिकैथलोन वाला ना, बहुत दिन से रखा हुआ है, हरकिदून में यूज़ किया था बस। हाँ वहीं यूज़ किया था, कहाँ यूज़ हुआ, 1-2 दिन ही तो यूज़ हुआ, उसमें भी हम दो घुस के सो रहे थे। मेरा ड्रीम है उस कैमरे में अकेला सोऊं। चलो बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं। हाँ नहीं नहीं मजा आएगा, उसके बाद तो मैं अभी आया। हाँ अभी आया, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। एक बार वो प्रीति आई थी कोर्स करने, वहाँ पे मिले थे फुल चट्टी पे, टाइम हो गया। हाँ रैपलिंग कराई थी हरकिदून के बाद। हाँ एक साल होने वाला है, विंटर में आई थी। हाँ विंटर में आई थी, एक साल होने वाला होगा, एक साल होने वाला है। तो तुम्हारा तो कल जॉब है, फिर परसों भी जॉब है, किस दिन, फिर तो फ्राइडे की छुट्टी होगी उसको, ट्यूसडे को, उसके लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं, है ना। मैं तो जल्दी यहाँ से हो जाता हूँ फ्री, गुरमीत भाई। अरे गुरमीत भाई करो प्लान, क्योंकि मैं ना अभी कहीं नहीं जा रहा, या तो मैं जाऊँगा राजा जी कॉर्बेट घूमने, कॉर्बेट का ही है अभी, अभी कहीं का बन नहीं रहा, तो जल्दी प्लान कर लो, अब तो मैं फ्री हूँ, है ना। और बेस्ट मौसम चल रहा है, इतनी ठंड भी नहीं है अभी, तो बेस्ट है, और थोड़ा सा क्लाउड है, एकदम क्लाउडी नहीं कुछ। हाँ क्लाउडी, बारिश कुछ है नहीं अभी, तो क्लियर है।
राजा जी में कैंपिंग करने का अभी फील है, अभी फील है। सुबह सुबह जो ओस गिरती है ना वहाँ पे, क्या मौसम। मजा आ जाएगा, अभी करते हैं, अभी करते हैं, करते हैं। चलो जल्दी है ना, नेक्स्ट ट्यूसडे उससे पहले करते हैं। चलो चलो, क्योंकि ट्यूसडे तो मेरा ऑफ रहता है, पर गुरु दादा को देखना पड़ेगा। हाँ, अभी 4:10 हो रहे हैं, थोड़ी देर बैठ के और बातें करते हैं, लेकिन इनको जाना है। राहुल भाई को तो शिवपुरी जाना है, इनकी मीटिंग है, जहाँ पे नया ज्वाइन किया वहाँ पे जाना है इनको। नई कंपनी ज्वाइन करी है इन्होंने फरवरी से। और भाई गुरमीत भाई तो थ्रिल फैक्ट्री में ही, ये राजा है, वहाँ के कुछ भी करना हो, जियान स्विंग करना हो, जंप करना हो, सब कुछ है। और ये अपना बंजी जंपिंग एक्सपर्ट है, हैं जंप करा रहे हो तुम ही धक्का दे रहे हो सबको नीचे खाई में। वीडियो में बनाता नहीं, अच्छा लड़के बोलते हैं डालो। नहीं मुझे ना थ्रिल फैक्ट्री आना है, मैंने गुरमीत भाई को बोला था कि थ्रिल फैक्ट्री आऊंगा और यूट्यूब में अपने सब्सक्राइबर के लिए सारी रिकॉर्डिंग करूंगा कि कहाँ पे कैसी है ना। हाँ मेन मेन चीज है, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल वहीं खड़ा होकर, ऐसे तो अलाउ नहीं करोगे, मतलब जहाँ तक अलाउ है मैं दूर से जूम करके जो भी है अपना कर लूंगा। टावर पे जा सकते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, बस ठीक है ठीक है ठीक है। तुम्हारे वाला तो मैंने दिखाई रखा है टावर, एक बार उधर आऊंगा और डिटेल में दिखा दूंगा। उस पर तो नहीं चला मैं, उसको क्या बोलते हैं रैंप। अच्छा चलो बढ़िया, हाँ लिफ्ट। अच्छा लिफ्ट मतलब उसमें जैसे कोई नीचे कूदा तो फिर ऊपर लिफ्ट से आ जाए? नहीं जो मतलब ऊपर आ रहे हैं ऊपर जंप करने के लिए, हाँ ठीक है, तो वो नीचे से भाई पैदल आना पड़ता होगा। हाँ हाँ लिफ्ट हो गई है, अच्छा अभी उनके हैंडओवर नहीं किया। अच्छा अच्छा, वो खाली उनका, वो तो बहुत जरूरी है, लोग कहते होंगे कूदा तो दिया पैदल जाना पड़ रहा है, है ना। कुछ लोग मोटे भी होते हैं, कुछ नहीं चल पाते। तुम्हारा कैसा है? अच्छा इनका तो तुम्हारा तो ऑलरेडी सड़क से मिला हुआ है, तो पहले तुम्हारा ऊपर चढ़ो फिर नीचे आओ, फिर नीचे से अपना सर्टिफिकेट लो और अपना, तो मतलब एक बार तो चढ़ना ही पड़ता। तुम्हारे में भी तो ऐसे करना पड़ता है? हमारे तो बस एक बार आप बस सड़क से आए, हाँ ब्रिज पे गए, हाँ जंप करा आपने, फिर जंप करके फिर नीचे से ऊपर चढ़ना। अच्छा फिर चढ़ना पड़ता है, वो भी टफ है। अच्छा चलो, वो अच्छी लड़की है। हाँ नहीं प्रीति तो बढ़िया, यहीं पे आई थी, डॉग पता नहीं कहाँ से। ये देखो कितना खतरनाक है ना बूटिया, रात को लड़ रहा है इससे, बहुत बुरी तरह है। हाँ पूरा दादा बना हुआ है यहाँ पे कॉलोनी में आके। अभी हमारी बाइक में पंक्चर हो गया, तो भाई फाइनली इसको खड़ी कर दिया उसने, अब इसे नहीं ऑफिस नहीं जाता, अभी स्कूटी से जाता है। चलो ठीक है, जब तक ये पंक्चर नहीं हुई थी तब तक भाई ने भी स्कूटी का हाथ नहीं लगाया। हाँ पंक्चर होगी, अब खड़ी रहेगी ऐसे पता नहीं एक महीना दो महीना, हमें टाइम ही नहीं मिलता इन चीज़ों का पंक्चर का। ठीक है गुरमीत भाई और राहुल भाई चले गए हैं वापस ऋषिकेश, पता नहीं कहाँ से आए, इसको क्या चाहिए, भूख लग रही है क्या? हाँ भाई ये तो यहीं पे खड़ा हो गया।